हे गाइस, वंस अगेन वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंजना। कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो जिसमें आप लोगों से एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से और भी शेयर करूँगी जिसके बाद ही मैं ये रिव्यू शेयर करूँगी। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, अगर नहीं किया हुआ था फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल बटन भी जरूर ऑन कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। तो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट। सो गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल ग्रूमिंग की। जी हाँ, पर्सनल ग्रूमिंग किसे पसंद नहीं आती? मुझे तो पसंद आती है, आप लोगों को भी पसंद आएगी और मेरे ख्याल से तो हर किसी को पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब पर्सनल ग्रूमिंग की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज़ स्किप कर ले ये वीडियो। तो बॉयज़ों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है पर्सनल ग्रूमिंग जितनी कि गर्ल्स के लिए है। अब पर्सनल ग्रूमिंग में सबसे पहले बात आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे जैसे होते हैं अनवांटेड हेयर, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मुझे तो पसंद बिल्कुल भी नहीं आते, तो आप लोगों को भी नहीं आते होंगे, ऑब्वियस है। तो ऐसे वाले जो होते हैं ना अनवांटेड हेयर, उनको हम रिमूव कैसे करें? सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं। अब रिमूव आप करते होंगे तो आप लोग बोलते होंगे हम तो कर लेते हैं, वैक्सिंग कर लेते हैं या कभी रेजर करवा लेते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। या तो पार्लर जाके आप वैक्सिंग कराते हैं, अगर आप घर पर भी करेंगे तो कई खचरोड़ होते हैं एक टाइप से मैं बोलूँ तो। जैसे होता है कि हमें पहले वैक्सिंग गर्म करनी है, फिर एक कपड़ा भी चाहिए, स्ट्रिप से भी करना है, आधे बाल निकलते हैं आते नहीं निकलते हैं, पेन फील होता है, विंटर में कैसे करें, विंटर में ठंड लगती है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है मेरे ख्याल से तो हर कोई इसे फेस करता होगा। मैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत फेस करती हूँ। और विंटर में क्या होता है, स्पेशली मैं विंटर में जो ये अनवांटेड हेयर्स होते हैं ना, इनको मैं फिर कम ही रिमूव करती हूँ क्योंकि स्वेटर्स भी रहती है। तो फिलहाल मतलब जब ज़्यादा इमरजेंसी होगी तभी मैं इन्हें रिमूव करती हूँ। बट आज इन सब चीज़ों का मैं जो सॉल्यूशन लेके आई ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो है एक न्यूड का हेयर रिमूवल स्प्रे। तो इस तरीके का ये हेयर रिमूवल स्प्रे आएगा। इसमें ना आपको वैक्स को गर्म करने की झंझट है, ना आपको पेन सहने की झंझट है, ना आपको ज़्यादा क्लोथ के कपड़े की ज़रूरत है जिससे आपको खिचखिच, जैसे जो गंदापन होता है, जो भी इस तरीके के स्टेन नीचे गिर जाते हैं वैक्सिंग के, तो उस तरीके के इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये है न्यूड का हेयर रिमूवल स्प्रे और काफ़ी अच्छा है। इसकी जो पैकेजिंग है आप देख सकते हैं, इस तरीके की बॉटल में ये रिसीव हुआ है और इसके अंदर से आपको इस तरीके का ये बॉटल मिल जाता है। ये इसकी कैप है, यहाँ से आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे इस तरीके का ये पंप दे रखा है, आपको इसे स्प्रे करना है। ओनली 10 मिनट्स में आपको जो हेयर्स होंगे वो अच्छे से आपके रिमूव हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको इसे जैसे यूज़ करना है उसकी मैं वीडियो आगे जाके आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। सो गाइज, इस तरीके की आपको इसमें पैकेजिंग मिल जाती है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, सुपर पैकेजिंग है इसकी और ब्लैक कलर की बॉटल है, गोल्डन से यहाँ पे प्रिंट हो रखा है। इसकी जो ml है ये 100 ml की बॉटल आपको मिल जाती है। हेयर रिमूवर स्प्रे फॉर मैन एंड वुमेंस के लिए, दोनों के लिए ये है। पैराबन फ्री है, तो इस तरीके की इसमें आपको मिल जाएगा, ये पैराबन फ्री है। और यहाँ पे ये जो स्प्रे है ना, ये ओनली है नॉर्मल स्किन के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ये ओनली नॉर्मल स्किन लोगों के लिए है। और हमेशा इसको अप्लाई करने से पहले आप इसका ना जो पैच टेस्ट है वो ज़रूर एक बार कर लीजिएगा। इसको यूज़ करने से पहले आपको इसे अच्छे से शेक कर लेना है। ये एक स्प्रे बॉटल आपको मिल जाती है, यहाँ पे इसमें ना अच्छे से इसे और इसकी जो आउटर कवरिंग है वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको ये अपने सेंसिटिव एरिया हो गया या जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ आपको इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, फेस पे यूज़ नहीं करना है, अंडर आर्म्स पे यूज़ नहीं करना है। ये ज़्यादातर आपको ओनली अपने हैंड्स और लेग्स पे इसे यूज़ करना है। आपको इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है। मैं अपने लेग्स के हेयर रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो हैंड्स के थे वो मैंने एक्चुअली वैक्स करा चुका था, तो ये मैं लेग्स के रिमूव कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको हल्का हल्का यहाँ पे स्प्रे कर लेना है और स्प्रे करने के बाद आपको इसे 10 मिनट्स तक ओनली छोड़ देना है। याद रखिएगा, आपको वैक्स ये करने से पहले, हेयर रिमूवर स्प्रे करने से पहले, इस पर कोई भी आपके पैरों पे मॉइस्चराइज़र या हैंड्स पे कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह ना लगा हो, कोई भी क्रीम अप्लाई ना किया हो। तो इस तरीके से आपको स्प्रे कर लेना है। आफ्टर 10 मिनट्स आपको किसी भी वेट वाइप से आपको इस तरीके से इसे पोंछ लेना है। जब आप इसे वाइप्स कर लेंगे तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे जो आपके हेयर्स होंगे वो अपने आप ही इसके साथ बाहर को मतलब आपके उसमें आ जाएंगे जो आपने ये टिश्यू यूज़ किया है। तो आपका बाद में देखेंगे ना कि जो इस वो है, स्किन काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे और इजी टू यूज़ लगा, सबसे बड़ी बात तो ये है।
सो गाइस, कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो फ्रेंड एंड फैमिली में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों से शेयर करा, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसका जो परचेजिंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना। बस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।